हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन फिजिक्स मस्ती। इस वाले लेक्चर में या इस वाले आपके सेशन में मैं आपका स्टार्ट करने वाला हूँ कि जो मैंने आपका एक इनिशियल लेक्चर बताया था कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में आप कैसे एंट्री कर सकते हैं, कैसे इनरोल हो सकते हैं। ठीक है, बोला तो था कि दो दिन बाद दे दूँगा, लेकिन थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा लेट हो गया। ठीक है, सिचुएशन को आप भी समझिए। ठीक है, तो थोड़ा टाइम की शॉर्टेज की वजह से या आपका थोड़ा टाइम बहुत कम मिल पाता है इस वाली लाइन मतलब समझा ऑनलाइन समझाने के उससे, तो इसलिए थोड़ा वीडियो डिले हो गई। ठीक है, तो नाराज़ ना हो, आप सभी की नाराज़गी अभी दूर हो जाएगी। देखिए, ऑनलाइन एडमिशन के लिए अगर आपको अंडर ग्रेड या पोस्ट ग्रेड में एडमिशन चाहिए, एक तो फील्ड होता है आपका क्या होता है, टेक्निकल फील्ड होता है, एक आपका नॉन टेक्निकल फील्ड होता है। अगर मैं टेक्निकल फील्ड की बात कहूँ, अगर आपको टेक्निकल कोर्सेज में एडमिशन चाहिए, उसके लिए आपका जो अंडर ग्रेड कोर्स होता है, अंडर ग्रेड की बात कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन के लिए आपका अगर कोई एग्ज़ाम होता है, वो होता है सेट। व्हाट इज सेट? सेट होता है आपका स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो इसमें फ़िलहाल आपका जितने भी पेपर होते हैं वो मैं भी आपका आगे डिस्कस करूँगा। अगली बात आती है कि अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो ग्रेजुएशन के बाद अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है टेक्निकल कोर्सेज के लिए, तो उसके लिए कौन सा एग्ज़ाम होता है? टेक्निकल की बात चल रही है, ठीक है, टेक्निकल कोर्सेज में एमएस करना है, ठीक है, मास्टर ऑफ साइंसेस करना है, तो उसके लिए आपका होता है ग्रेजुएशन रिसर्च इन इंजीनियरिंग। ये आपका सेकेंड कोर्स हुआ, सेकेंड फॉर्म हुआ। अब बात आते हैं नॉन टेक की। नॉन टेक में आपका अगर आपको केवल प्लेन ग्रेजुएशन करनी है किसी टॉपिक्स मतलब किसी स्ट्रीम से, तो उसमें आपका होता है आईलेट, IELTS। ठीक है, ये तो सही अंडरग्रेड की बात। ग्रेजुएशन की बात आती है आपकी बात पोस्ट ग्रेजुएशन में। पोस्ट ग्रेजुएशन में डिपेंड करता है कि आपका आप MBA करना चाहते हैं या आपका क्या करना चाहते हैं। फिलहाल MBA के लिए जो आपका कोर्स होता है वो होता है ZMAT। ठीक है, तो टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, तो ये यूनिवर्सिटीज आपकी वेट कर रही हैं। ठीक है, तो इसमें आप कैसे एडमिशन लेंगे, क्या क्राइटेरिया रहेगा, ये मैं आपका जस्ट एविटेल करता हूँ। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। हाँ तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन फिजिक्स मस्ती। एक लेक्चर मेरा पेंडिंग चल रहा था जो कि मैंने बताया था हाउ वी कैन इनरोल इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज फॉर अंडर ग्रेड कोर्सेज। पहले जो स्टार्टिंग में जो सेशन रहेंगे इस वाले में, वो रहेंगे अंडर ग्रेड कोर्सेज के लिए, और बाद के जो सेशन रहेंगे वो रहेंगे आपके हाउ वी कैन इनरोल इन पोस्ट ग्रेड कोर्सेज। अब इसमें भी कुछ आपके टेक्निकल आपके कोर्सेज होते हैं, कुछ आपके नॉन टेक्निकल कोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो मेरा आपका करेंट जो अभी लेसन है वो है आपका टेक्निकल कोर्सेज के लिए। आफ्टर इंटर क्लासेस, तो सबसे बड़ा जो सबसे बेस्ट एग्ज़ाम मैं समझता हूँ वो होता है, वो आपका सेट होता है, स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड स्कॉलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट सेट। कुछ स्टूडेंट्स को, मेजर स्टूडेंट्स को इनके बारे में पता नहीं होता है। ठीक है, किसी को पता भी होता है तो आफ्टर इंटर एक साल बाद पता लगता है। ठीक है, आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम, डेट्स वाई आई हैड बिन प्रिपेयर्ड फॉर पोस्ट ग्रेड कोर्स विच वॉज GRE, ग्रेजुएशन रिसर्च इन इंजीनियरिंग, इन ऑर्डर टू इरेडिकेट सच प्रॉब्लम्स फॉर दोस्त जो कि अवेयर नहीं है इस कोर्सेज के बारे में, इस एग्ज़ाम के बारे में, मैं उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को अवेयर करना चाहता हूँ, दोस्त हु आर स्पेशली इन 11th स्टैंडर्ड और इन 12th। स्टूडेंट इन कोर्सेज की प्रिपरेशन हाई स्कूल से कर लें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उनकी जो आपकी कमांड होगी इस सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छी रहेगी। इस स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट में कौन कौन से कॉलेज इनरोल लेते हैं और कितनी परसेंट स्कॉलरशिप दी जाती है, ठीक है, किन किन कॉलेजेस में, इसको मैं बाद में डील करूँगा। फिलहाल मैं जो आपका डील करने वाला हूँ कि कितने पेपर होते हैं और
हर एक पेपर में क्या क्या टॉपिक इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। इसका एक ब्रीफ, एक हैंड रिटन मैनुअल बना के उसकी पीडीएफ मैं आपका लिंक अपडेट कर दूंगा, तो वो आप कल तक देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं जो आपका डील करने वाला हूँ, कि एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको यहाँ पे, ये जो पेपर होता है ये ऑनलाइन होता है, ठीक है। इसके ऑनलाइन सेंटर्स अलॉट किए जाते हैं और साल में 2 बार होता है आपका, ठीक है। तो इसकी जो डेट है आपका, वैसे तो स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, एनी टाइम कभी भी इसको फिल कर सकते हैं। तो इसकी जो फीस होती है, मतलब रिटर्न एग्ज़ाम, मतलब जो इसकी एग्ज़ाम की जो फीस होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो सोच समझ के और अच्छी प्रिपरेशन के साथ ही दीजिएगा, ठीक है। ये मान के चलिए कम से कम इसका नियर 15,000 का इसका आपका एक रिटर्न एग्ज़ाम होता है आपका, ठीक है। जो सेट का होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, उसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है नियरली 15,000 होती है, और जो जीआरई होती है जो पोस्ट ग्रेड की होती है उसकी 8,000 नियरली होती है, ठीक है। तो इसलिए इस एग्ज़ाम को ढंग से सोच समझ के फिल करिएगा। करंट अभी फीस क्या है मैंने उसके बारे में कोई नहीं है, इसमें मैं अच्छे से पूरी डिटेल निकाल के आपको मैं इसके लिए एक अलग उसका लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा। तो फिलहाल मैं आपका यहाँ पे डील करने वाला हूँ कि सेट में कितने सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं, कितने पेपर होते हैं और टाइम ड्यूरेशन क्या होती है, ठीक है। तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो जहाँ तक बात सेट की है, स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट की है, तो इसमें देर आर बेसिकली टू पेपर्स, पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर वन, दिस इज पेपर वन, P1, दिस इज पेपर टू। पेपर वन इज जनरल, जनरल टेस्ट होता है आपका। पेपर जो वन होता है वो आपका वो होता है सैट जनरल टेस्ट, ठीक है। तो इसमें जो आपका आता है, एक तो रिटर्न होता है, दूसरा वर्बल होता है, तीसरा आपका मैथमेटिकल होता है। रिटर्न, वर्बल इन मैथमेटिकल। दूसरा पेपर आता है आपका सब्जेक्ट पेपर, सब्जेक्ट टेस्ट। दूसरा होता है सब्जेक्ट टेस्ट। हालांकि इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके 20 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन इन 20 सब्जेक्ट्स को हमने कैटेगराइज कर रखा है 5 पार्ट्स में। देर आर 5 पार्ट्स, 20 सब्जेक्ट्स हैव बीन कैटेगराइज इन 5 पार्ट्स। दीज 5 पार्ट्स आर गिवन बाय मैथमेटिकल, साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री एंड लैंग्वेज। एंड वट आर द लैंग्वेजेस। अब ये हिस्ट्री जो पार्ट है ये ह्यूमैनिटीज से है आपका, ठीक है। अब आप ये मत समझ लेना कि आपको हिस्ट्री की एकदम बहुत वास्ट नॉलेज चाहिए। इसमें भी आपके कैटेगरी होती है, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई आपकी, आपका एंशंट एंशंट हिस्ट्री हो गई, ठीक है। और आपका ये हिस्ट्री में भी सब कैटेगरीज हैं आपकी, इसलिए आपकी जो ओवरऑल जो हैं आपके 20 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इनके सब पार्ट्स हैं। साइंस में आपकी फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, ठीक है, बायो हो गई। तो साइंस में आपके 3 पार्ट हो जाएंगे आपका, बायो हो गया, फिजिक्स हो गई और केमिस्ट्री हो गई। तो इसमें से आप साइंस में से कोई सा भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, या तो फिजिक्स चूज कर लिया, या तो केमिस्ट्री, या तो बायो, जो भी आपकी चॉइस है, ठीक है। और इतना ज़्यादा हाई फाई नहीं आएगा, फिर से मैं कह रहा हूँ, इतना ज़्यादा हाई फाई नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपको ये जो टॉपिक्स हैं इसके, जो भी आप सब्जेक्ट चूज करेंगे उसको अच्छे से रीड करना आपका, ठीक है। अब वो आपकी जैसे साइंस का टॉपिक है आपकी बायो, उसमें कहाँ से स्टार्ट होगी आपकी, मान के चलिए कि 6th क्लास से आपका ऑलमोस्ट साइंस की बुक्स आपको अच्छे से पकड़नी पड़ेंगी। एलिमेंट्री लेवल पे आपको अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी, बिल्कुल नीचे से। ये नहीं कि आप सीधे इंटर की बायो पकड़ के बैठ गए, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है, एलिमेंट्री लेवल पे, ठीक है। तो ये है आपका सब्जेक्ट टेस्ट, जिसमें आपके 20 सब्जेक्ट होंगे, जिसको हमने कैटेगराइज कर रखा है 3 पार्ट में, आप 5 पार्ट्स में, मैथमेटिकल, साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री एंड लैंग्वेज। नाउ अब हम आते हैं आपका सब्जेक्ट वाइज क्या क्या ड्यूरेशन होती है, क्या क्या टाइम होता है, ठीक है, इन पेपरों का। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट में सबसे बात करेंगे मैथ्स में। मैथ्स में आपके 58 क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स में आपके 58 क्वेश्चन होते हैं। उसमें आपका किस तरह के टॉपिक्स आते हैं, डी आई यानी डेटा इंटरप्रिटेशन, एल्जेब्रा, एडवांस मैथमेटिक्स और कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस होते हैं। लैंग्वेज बेस्ड कह सकते हैं आपका, लैंग्वेज बेस्ड आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस होगी ट्रिग्नोमेट्री में, और कुछ आपके मेंसुरेशन के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं। इसकी जो ड्यूरेशन रहती है, इसका जो टाइम होता है वो 80 मिनट का होता है। 80 मिनट्स इसकी टाइम ड्यूरेशन, 80 मिनट आपके टाइम ड्यूरेशन होती है किसकी, मैथ्स की। और स्कोर कहाँ से कहाँ, इसमें स्कोर जो आपका होता है 200 से 800 के बीच में होता है आपका, 200 से 800 के बीच में, इसके बीच में आपको स्कोर करना पड़ेगा। मैक्सिमम आपका इतना है, मिनिमम इतना आपका,
ठीक है। तो यानी कि आपको स्कोर देख के ही पता चल रहा होगा कि जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेश्चंस होंगे, इनकी जो मार्किंग होगी पर क्वेश्चन के मार्क्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब हर साल आपका इसका पैटर्न चेंज होता रहता है, लेकिन जो आपका स्कोर है इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फिक्स है, ठीक है। तो पर क्वेश्चन वो कितना रखते हैं, वो कितना एडजस्ट करते हैं, वो आपको एग्जाम के दौरान ही पता लगता है, ठीक है। ये नहीं कि आपको पहले से बता दिया जाएगा, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि मिनिमम स्कोर कितना, मैक्सिमम स्कोर कितना है, ठीक है। तो इसमें जितना परसेंट आप स्कोर कर लें, देखिए अच्छे स्कॉलरशिप के लिए एटलीस्ट आपको मान के चलिए कम से कम 85% तो स्कोर करना ही पड़ेगा। 85% आप इसको स्कोर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज काफ़ी टफ पड़ जाएगा आपका, ठीक है। अगला आता है आपका रीडिंग बेस्ड। यहाँ पे दूसरा पेपर जो होगा आपका रीडिंग बेस्ड प्रॉब्लम होगा, जिसमें 52 क्वेश्चन आएंगे। 52 क्वेश्चन में आपके कितना होगा सेंटेंस कंप्लीशन, हाउ वी कैन कंप्लीट द सेंटेंसेस, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू सच प्रॉब्लम जस्ट लाइक इन जंबल फ्रेज, ठीक है, ग्रामेटिकल एरर्स, ठीक है, एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। सच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम विल श्योरली आस्क, ठीक है। तो इंग्लिश की भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अगला देखिए यहाँ पे क्या आता है आपका, सेंटेंस कंप्लीशन हो गया, पैसेज हो गया, पैसेज डेफिनेटली आएगा, पैसेज से क्वेश्चन जनरेट होंगे, तो रीडिंग पैसेज की हैबिट अच्छी होनी चाहिए। तीसरा आता है वर्ल्ड लिटरेचर। वर्ल्ड लिटरेचर में आपको किस क्या आसा है, वर्ल्ड लिटरेचर में आपका किसी का भी, आपका जो भी है आपका ये पोएट हो गए, राइटर्स हो गए, ठीक है, इन पे बेस एक आपका पैराग्राफ आ जाएगा, उस पर आपके निम्न उसमें आपका एक क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे आपका, ठीक है। तो इसकी भी आपको हैबिट अच्छी नहीं चाहिए, इसके लिए आपको अलग से कोई स्टडी की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपनी एक रीडिंग हैबिट बनानी है, कोई अच्छी सी आपकी पोएट की बुक, मतलब क्या कहते हैं पोएट्री की बुक या आपकी पैसेज की बुक आपको पकड़नी है, ठीक है। ये सब चीज़ें बताऊंगा मैं, कौन सी मतलब बुक्स आपके लिए बढ़िया हैं, कौन सी चीज़ें आपके लिए बेस्ट हैं, ठीक है, इस एग्ज़ाम के लिए। तो फिलहाल मैं भी आपका टॉपिक डील कर रहा हूँ, कौन कौन से टॉपिक होंगे, तो उस पर आप थोड़ा कंसंट्रेट करिए यहाँ पर, ठीक है। पैसेज हो गए और वर्ल्ड लिटरेचर हो गई, हिस्ट्री हो गई, ठीक है। हिस्ट्री में आपके आपकी हाई स्कूल लेवल तक की हिस्ट्री अच्छे से आनी चाहिए आपको। SST में आपका तीनों आ जाते हैं, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई आपकी, ठीक है, और ज्योग्राफी हो गई, ठीक है, और बेसिक साइंस। साइंस में आपका वही फिजिक्स केमिस्ट्री हो गई, आपकी बायो हो गई, हाई स्कूल लेवल तक की अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ड्यूरेशन की बात आती है, कितना टाइम लगता है इसमें, कितना टाइम का पेपर होता है, ये आपका 65 मिनट्स का पेपर होगा आपका, 65 मिनट्स फिक्स हैं। उसमें आपका जो मैक्सिमम और मिनिमम और मैक्सिमम वेरिएशन जो रहेगा नंबरों का, 200 से 800 के बीच में आपका, ठीक है। सबसे बढ़िया एग्ज़ाम है, मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे अच्छा एग्ज़ाम है, ठीक है। जो दो स्टूडेंट्स हुआ प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ ऑप्शन, ठीक है, ये भी एक आपके लिए एक ऑप्शन बनता है, इसको प्लीज़ देखिएगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ, इस एग्ज़ाम को टॉप प्रायोरिटी पर रखना, इस एग्ज़ाम को टॉप प्रायोरिटी में रखना, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे, अगला आता है आपका राइटिंग एंड लैंग्वेजेस। राइटिंग और लैंग्वेज में आपके देर आर बेसिकली 44 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आपका आता है स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशन, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम एडिटोरियल रीडिंग की हैबिट तो आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। कोई सी भी आप टाइम्स ऑफ इंडिया ले लीजिए या आपका हिंदू ले लीजिए, ठीक है, देर आर सम न्यूज़ जनरल्स, ठीक है। तो इसमें आपको अच्छे से पकड़ लानी पड़ेगी, तभी आप इन चीज इसमें आपका राइटिंग और लैंग्वेज में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। अब अगर आपकी रीडिंग हैबिट नहीं है तो तब ये वेस्ट जाएगा आपका, पे ये वाला पार्ट बेकार जाएगा, ठीक है। और ह्यूमैनिटीज़ को समझने के लिए भी आपको अच्छे से अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए जो स्टूडेंट्स भी आपके 11th में हैं, हाई स्कूल में हैं, प्लीज़ इस चीज़ को नोटिस कर लीजिए, अपने रीडिंग हैबिट बनाइए, लिटरेचर को स्ट्रॉन्ग करिए। इस एग्ज़ाम के लिए आपको कोई हद से ज़्यादा मतलब एकदम टफ, मतलब क्या कहते हैं, हद से ज़्यादा फिजिक्स मैं नहीं कहूँगी, फिजिक्स में आप अच्छा, फिजिक्स में आपके लिए कंपल्सरी, फिजिक्स आपके लिए केवल सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन इस वाले में जो आपका जनरल टेस्ट होता है, यहीं पर स्टूडेंट मार खा जाता है जनरल टेस्ट में, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन टेस्ट होता है। कॉमन टेस्ट में स्कोर करने के लिए आपको एटलीस्ट कट ऑफ तो निकालनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो फिर कट ऑफ निकालने के पॉइंट ऑफ से नहीं, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपनी रीडिंग हैबिट को अच्छा करिए आप। यहाँ पे अगला जो आता है आपका स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशन हो गई, ह्यूमैनिटीज़ हो गई, 35 मिनट्स का आपका पेपर होगा, उसमें आपका 200 से 800 मार्क्स का, इसमें मार्क्स में वेरिएशन रहेगा, ठीक है।
ये कंप्लीट जो पेपर है ऑनलाइन है, फिर से कह रहा हूँ मैं आपका, ज़्यादा इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो पेपर आएगा वो आप ऐसे का होगा, ऐसे राइटिंग का, ठीक है। ऐसे राइटिंग में आपका, ऐसे राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये आपका 50 मार्क्स का होगा। ऐसे राइटिंग कोई भी आपको रैंडम टॉपिक, इंटरनेशनल इशू से आपका कोई सा भी एक टॉपिक दिया जाएगा, तो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, अपना सबसे पहले एरिया ऑफ इंटरेस्ट चूज करिए कि आपका किस में इंटरेस्ट है, तो उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक को पकड़ के आप लिखने की हैबिट बनाइए, तभी आप ऐसे राइटिंग में भी अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका वर्ड लिमिट कितनी होगी और क्या क्या लिखने का क्राइटेरिया होगा, इसको भी हम अच्छे से डील कर लेंगे। अगला आएगा आपका हाँ, इसकी ड्यूरेशन 50 मिनट्स रहेगी, ठीक है। तो ये फिलहाल आपका, इसमें आपके मार्किंग नहीं है फिलहाल, ऐसे में कोई मार्किंग नहीं है। ये आपका वो है, आप क्या कहते हैं, केवल आपका एग्जाम क्लियर करने के पॉइंट से कोई मिनिमम इसकी कट ऑफ होगी, ठीक है। तो इसमें फिलहाल आपको कोई ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम 85% या मिनिमम 60% स्कोर करना है, इसमें एक फिक्स कट ऑफ है, ठीक है, उसको एटलीस्ट क्लियर करना पड़ेगा। इसकी कोई वो नहीं है, आपका मार्किंग इसमें कुछ नहीं है, ये काउंट नहीं करेगा फिलहाल, ठीक है, ये काउंट नहीं करेगा आपका ऐसे का, ठीक है। और इसमें जो टोटल क्वेश्चंस जो आएंगे आपके, वो होंगे 154 क्वेश्चन। देर आर 154 क्वेश्चन इन ओवरऑल पेपर्स, उन ओवरऑल पेपर वन P1 एंड P2 में जो क्वेश्चंस रहेंगे 154 रहेंगे, 154 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और ये टोटल ड्यूरेशन रहेगी वो 3 आवर्स की रहेगी, इसको सम अप कर लीजिए, ठीक है, टोटल टाइम ड्यूरेशन को, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना टाइम बैठ रहा है आपका, ठीक है। तो जो टोटल ड्यूरेशन रहेगी आपकी 3 घंटे की रहेगी, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर आपका सेट का, ठीक है। तो इसका जो मैं एक हैंड मैनुअल आपका, एक क्या कह सकते हैं, इसकी जो कंप्लीट एल्गो है, इसको बना के, मतलब कि कौन इस पेपर में क्या क्या होगा, क्या क्या मतलब टॉपिक्स रहेंगे, इसकी पूरी डिटेल में PDF फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। तो फिलहाल आप इस पे फोकस करिए, एक सब्जेक्ट चूज़ करिए कि इनमें से आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, मैथ चाहिए। अब मैथमेटिकल मैथमेटिकल है, इसका मतलब थोड़ा ना कि मैथमेटिकल में कंप्लीट मैथमेटिकल, इसमें एक पोर्शन डिवाइड होगा, आपको कोऑर्डिनेट होगी, ज्योमेट्री होगी, एल्जेब्रा होगी, उससे रिलेटेड आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन बनेंगे। अगला साइंस में, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री में, इसमें से कोई सा भी एक चूज़ कर लेना, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। कौन सा इंग्लिश में आप चूज़ कर लीजिए, हिस्ट्री में और लैंग्वेज में। बाकी इनका जो सब डिवीज़न है इन सब्जेक्ट्स का, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एज अ PDF फॉर्मेट लिंक कर दूंगा। विश यू गुड लक।